जोहार नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इनवाइट कर रहा हूं झारखंड में नागपुरी भाषा के विद्वान, लेखक और काफ़ी वर्षों से नागपुरी भाषा एवं साहित्य के लिए काम कर रहे डॉक्टर सुधीर कुमार राय सर को। हम लोगों के मार्गदर्शक भी रहे हैं और वो अब आप लोगों को नागपुरी भाषा की शिक्षा देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि JSSC CGL एग्ज़ाम में जो एक भाषा पेपर है, जो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, 300 नंबर का वो पेपर है। तो जो भी लोग नागपुरी भाषा लेना चाहते हैं JSSC CGL में, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार व्हाट्सअप कर रहे थे, तो आपकी डिमांड पर मैं इनवाइट किया हूं सुधीर सर को और वो आप लोगों को नागपुरी भाषा पढ़ाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से सर आप लोगों को नागपुरी भाषा के बारे में एक विस्तृत जानकारी देंगे, जो कि एक डेमो क्लास भी होगा आप लोगों के लिए। जो लोग भी नागपुरी भाषा लेना चाहते हैं, नागपुरी भाषा पढ़ना चाहते हैं करियर फाउंडेशन से जुड़कर, वो लोग करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड करें और जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बुलाते हैं सर को। नवा विषय का शुरुआत रौरे ले करल जाते और रौरे आइज करियर फाउंडेशन कर मंच में खड़ा है। कम से कम करियर फाउंडेशन कर माध्यम से नागपुरी का जो क्लास हुई उके रौरे देखब। नागपुरी एक ऐसा विषय है कि हर परीक्षा में रौरे के लाभ पहुँचाते। सिर्फ रौरे के नहीं बल्कि छोट से बड़ परीक्षा में भी नागपुरी के माध्यम से लाभ पहुँचाते। आज नागपुरी नौकरी देखकर विषय बन जाए। जितना विषय भाषा साहित्य में है उकर में सबसे कामयाब विषय नागपुरी है और नागपुरी रौरे कर समर्पण मांगेगा। अगर रौरे समर्पित भाव से नागपुरी के जोड़ लेती अपन साथ तो हमके नहीं लगेगा कि नागपुरी रोड़े के कोई परेशानी पैदा करे। हर विषय कर अपन गहराई होएला और ये गहराई तब पता चलेगा कि जब रोड़े उकर में डुबकी लगाब। भाषा सीखे कोला बात हो जाएगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा। जब लोक सेवा आयोग कर बात होएला तो भाषा लिखे कर बात है, लेकिन जब यहाँ CGL वाला बात होएला तो लिखे कर बात नखे। रोड़े कर बात है कि रोड़े अपन बात के समझते हुए क्वेश्चन का जो मल्टीपल च्वाइस है उकर में से कोनो एक के टिक करब। सवाल का लखे बने वो मन में आवेला कि सवाल बनी का लखे। हम नागपुरी नहीं जानेला, जब नहीं जानेला कहेला तब हमके लागेला कि नागपुरी रोड़े बहुत अच्छा से जानेला। जे आदमी नहीं जानेला वो बहुत प्रयास करेला और जे आदमी जानेला जाने का ढोंग करेला उकर ले एग्जामिनेशन भारी हो जाएला, काले के वो लापरवाह हो जाएला। रौरे और हमरे का काम एक है, परीक्षा ले सफलता लाने। परीक्षा सबकर दृष्टिकोण में होएला कि नौकरी मिले और नौकरी कर साथ साथ में हम घर परिवार का दायित्व के संभराब। सरकार हम ले नागपुरी तोहफा में दे है और सिर्फ नागपुरी नहीं बल्कि कई ठो जनजाति और क्षेत्रीय भाषा हमरे के बीच में तोहफा का रूप में मिलत हैं। रोरे पहला आदमी नखी कि नागपुरी पढ़ते, बड़ से बड़ आदमी भी नागपुरी पढ़ लें लाभ ले लें और छोट से छोट आदमी भी लाभ लेके कोई छोटा नौकरी में गलें कोई बड़ा नौकरी में। आज तो न्यायिक सेवा में भी नागपुरी है, शिक्षक सेवा में भी है, रोड़े का प्रशासनिक सेवा में भी नागपुरी है। हर जगह नागपुरी का डिमांड है और नागपुरी सरकार का देन है। और नागपुरी का देन सरकार का है या नखे, लेकिन झारखंडी चेतना के आगे बढ़ाए में नागपुरी का काम है। नागपुरी एक ऐसा विषय है कि रोड़े का नहीं बल्कि पूरे झारखंड के आंदोलित कर दिलक। पूरा झारखंडी जितना नागपुरी में बैठे, चाहे वो लाल रणविजय नाथ सहदेव का नाम ले, प्रफुल्ल कुमार राय का नाम ले, या कवि के रूप में कोनो और मधुमन सोरे का नाम ले, या कोनो और साहित्यकार का नाम ले, वो गीत से वो समा बांध लें जेकर से झारखंड कामयाब हो तक। सादा प्रसाद शर्मा का नाम ले, वो झारखंडी जितना में खूब लिख लें। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी वैचारिक आंदोलन के खूब चला लें, माध्यम रहे नागपुरी, तो झारखंड में लग तब एक सपना साकार होते कि नागपुरी कर माध्यम से भी हमरे के नौकरी मिले। ये नागपुरी कर माध्यम से नौकरी मिली ये बात तो
1970 का दशक में सामने चले आए रहे। अगर रोड़े जाने के चाहब तो पता चले कि लगभग 1972 में रांची विश्वविद्यालय संकल्प ले लग कि हम नागपुरी के माध्यम से पढ़ाई आगे बढ़ा। इंटरमीडिएट के किताब बन लग रोड़े किताब का नाम भी सुन हो कि वो किताब का नाम है रोड़ेकर दो डायर बीस फुल। तो रोड़े वो आधार पर देखब तो दो डायर बीस फुल नामक किताब रोड़े ने एक किताब रोड़े ले बड़ा काम कर किताब है जहाँ से नागपुरी भाषा का पढ़ाई शुरू होलक। अब ये 72 में संकल्प लेवल गलक 74 से पढ़ाई शुरू होएला और आगे जाके स्नातक स्तर पर एक दूसरा किताब आवेला जिसका नाम होएला एक झोपा नागपुरी फूल। एक झोपा नागपुरी फूल ये दुयो किताब नागपुरी भाषा का इतिहास गढ़ेला। इकरे माध्यम से रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू होलक और आइस रोड़े देखते थे कि एकरे रखल ने ऊपर लोक सेवा आयोग भी चलत है अन्य परीक्षावन भी चलत है। रोड़े देखते थे जे हमरे का जे एस एस सी का परीक्षा है वो अधिकांशतः नागपुरी विषय कर माध्यम से सामने आवत है। और भी विषय हैं मुंडारी संथाली हो खड़िया वगैरह वगैरह और भी विषय हैं लेकिन नागपुरी सबके कम्युनिकेट करेला। हर स्टूडेंट्स जे तनिकुन भी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू बंगला उड़िया से संबंध रखेला उके नागपुरी बहुत आसान लगेला। नागपुरी लिंक लैंग्वेज है और ये लिंक लैंग्वेज आज से नहीं रोड़े के पता होक चाहिए कि 2000 साल से हमरे बीच नागपुरी चलते आवत थे। ये 2000 साल में रोड़े देखा डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कहना 1964 ईस्वी से नागपुरी हमरे बीच आए जेके हमरे सदान मनक मातृभाषा कहेला। तो ये सदान मनक मातृभाषा होय के कारण इकर नाम रहे सदानी। अब ये सदानी भाषा बढ़ते बढ़ते कभी सादरी होलक कभी सदरी होलक कभी नागपुरिया होलक कभी नागपुरिया होलक कभी छोटा नागपुरिया होलक और कभी तो ये गंवारी भी कहल गेलक। गंवारी से आगे बढ़लक तो गांवली भी हो गेलक। विदेशी मन आवेक लागलें तो ये भाषा के माध्यम बना लें और ये माध्यम नागपुरी के आधुनिकता लाने ला। तो नागपुरी कोनो छोट विषय नखे एकर गहराई है कि जेके हमरे 2-4 साल नहीं बल्कि 2000 साल से देखते थे और 2000 साल कर बनल इतिहास जो है ये हमरे ले कितना कामयाब हुई वह रोड़े का सिलेबस है। इस सिलेबस की कर ले रोड़े जाना थे कि रोड़े कौन परीक्षा का तैयारी करते। हर परीक्षा का तैयारी एक सिलेबस का आधार पर होला उकर ले पाठ्यक्रम निर्धारित होला। पाठ्यक्रम हम और रोड़े नहीं बल्कि एक्सपर्ट कमेटी चुनेला और उकर में ये चुनल जाए कि नागपुरी बोली है कि भाषा नागपुरी का साहित्य का है नागपुरी में लोक साहित्य का है उस सिलेबस का आधार पर रोड़े के पता चलेला। लेकिन रोड़े यहाँ पर सिर्फ समझे के लिए अपन ध्यान का लगाओ रोड़े के लिखित रूप में नखे जाए भाषा कर ऑब्जर्वेशन जो होला उकर आधार पर होला कि भाषा के हम कामयाब कालक बनाब एक गहराई कालक पाओ और ये भाषा कर साथ साथ हम जे अपन क्षमता है आंसर पूरा करे कर हमारे टारगेट है रोड़े ठेन कि 100 क्वेश्चन के हमरे देखब। तो ये 100 क्वेश्चन जे कमीशन कर माध्यम से रोड़े ठेन आवत है ये 100 क्वेश्चन में कामयाब होए का तरीका हमरे का रहस्य कहाँ है। हमरे का रहस्य है अगर रोड़े उके देखे चाहब तो रहस्य हमरे ठेने कई जगह है। पहला जगह है रोड़े कि भाषा के जब शुरू करेला यहाँ पर रोड़े के भाषा शुरू करते रोड़े तब पता चले रोड़े के भाषा साहित्य के जब शुरू करती तो रोड़े पता चले कि काल के रोड़े यहाँ पर अपन बात के देख सकेला। तो ये भाषा साहित्य के माध्यम से रोड़े के आवेक चाहिए। ये भाषा साहित्य में सबसे मुख्य बात होएला कि यहाँ भाषा अलग है साहित्य अलग है। ये दुयो साहित्य के आधार पर रोड़े देखो कि पहले लोक साहित्य कहाँ है और ये लोक साहित्य के रोड़े अगर देखा थे तो रोड़े का पता चले कि लोक साहित्य के साथ साथ हमारे श्रेष्ठ साहित्य के भी देखब। नागपुरी में शिष्ट साहित्य लिखे कर परंपरा ई आधार पर है कि हमने कुछ वर्ण का व्यवहार इस आधार पर करब। तो एक तरफ भाषा ई भाषा का मतलब यहाँ बोली और ई बोली से रोड़े क्रमबद्ध रूप में जाब तो ये भाषा के रूप में आव। बोली से भाषा के बीच में जे डिमार्केशन लाइन हुई वह हमरे लिए सबसे मज़ेदार पहलू हुई कि रोड़े जान सकेला कि हमरे कर बोली का आगे चल के राजभाषा बनलक। रौड़े आई जानते थे कि नागपुरी
झारखंड कर द्वितीय राजभाषा रूप में है, लेकिन जब इकर इतिहास के रोड़े टटोलब तो पता चले कि ये 2000 साल में इकर कामयाबी बहुत आगे तक निकल जाए। कितना आगे तक? मातृभाषा के रूप में, जातीय भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में रोड़े कर, सेतु भाषा रूप में रोड़े के सकेला, नागवंशी परिवार में या राज परिवार में ये राजभाषा रूप में भी सुशोभित होलक। तो जे भाषा पूर्णा काल में राजभाषा रह चुके उकर तो अपन गौरव हो। यह गौरव के बताए में रोड़े का 100 क्वेश्चन आवी। अब 100 क्वेश्चन के रोड़े अलग 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 ढंग से का लखे बांट सकेला। यह परीक्षा कर क्वालिटी जो होला वो 100 क्वेश्चन कर आधार पर नहीं होला, बल्कि सिलेबस कर गहराई कर आधार पर होला। जब रोड़े कोनो भाषा के पढ़े चाहेला तो पहले उकर में भाषा वैज्ञानिक आधार देखल जाएला, और भाषा वैज्ञानिक आधार तो तब आवेला कि जब रोड़े इके बढ़िया से देखे कर कोशिश करब, तब पता चले कि एक भाषा वैज्ञानिक आधार का है। भाषा वैज्ञानिक आधार का मतलब है कि कोनो भाषा का अध्ययन का लखे। हियाँ रोड़े जब भाषा विज्ञान पढ़ब तब पता चले कि भाषा विज्ञान का आधार का है। अब यह भाषा विज्ञान का आधार रोड़े के बताई कि नागपुरी के हमरे कितना दूर तक ले जा सकेला। अगर ये पीछे घूरब तो इके पता चले कि नागपुरी भाषा भारूपीय भाषा परिवार का भाषा है। कि अभी भारूपीय परिवार का मतलब है यहाँ एशिया और यूरोप कर भाषा, एशिया प्लस यूरोप कर भाषा जो है इकरे एक नाम है भारूपीय भाषा परिवार, जे के इंडो जर्मन भाषा परिवार भी कहल जाएगा। हरोरे के पता होक चाहिए कि इंडो जर्मन इग नाम हमरे का लखे अलग। तो यह एक समय जर्मन भाषा बहुत आगे रहे, संस्कृत भाषा आगे रहे, तो संस्कृत और जर्मन भाषा के मिला के इंडो जर्मन नाम बेवल गलत। कोई कोई इके इंडो केल्टिक भी कही है, रोड़े के इंडो केल्टिक भी कही है। तो नागपुरी का सीधा संबंध इंडो केल्टिक से है। कौन आधार पर? तो इकर में आंसर रोड़े के रावी भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर रोड़े इके देख सकेला कि भौगोलिक आधार पर ईसान है। लेकिन रोड़े यहाँ देखो थी वे बोर्ड में कि लिखे का तरीका हम तनिक बदल दे। रोड़े हिंदी जानेला तो कहब कि नागपुरी में का हिंदी का इस्तेमाल लखे, हिंदी का इस्तेमाल है हमरे आर्यन लैंग्वेज के रूप में हिंदी भी पढ़ा थी, संस्कृत भी पढ़ा थी, नागपुरी भी पढ़ा थी और अन्य भाषा मन भी पढ़ा थी। लेकिन नागपुरी का जो वंश वृक्ष है ये भाषा विज्ञान के आधार पर रोड़े देखेला, ये ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के आधार पर रोड़े देखा थी। और ये ऐतिहासिक भाषा विज्ञान कहाँ से आवत है? तो ये भाषा विज्ञान कर उस सोच है के जेकर आधार पर रोड़े के हुए। तो इकर में ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में उत्पत्ति रोड़े पड़ब कि भाषा कर उत्पत्ति काल के होलक। इके जाने कर दो माध्यम हो गए, एक माध्यम मातृभाषा के रूप में और दूसरा माध्यम रोड़े कर आवी राजभाषा के रूप में या आर्य भाषा के रूप में। ई आधार पर आवी आर्य भाषा के रूप में। तो ये दोनों के अगर रोड़े देखती तो रोड़े का जो भाषा विज्ञान का सेगमेंट से है उकर में रोड़े कर 5 क्वेश्चन करीब करीब रोड़े कर बने चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। अब ये 5 क्वेश्चन कहाँ से बने कि जब भारूपीय भाषा पढ़ कहती और यहाँ आर्य भाषा कहती तो इकर आर्य भाषा से जो संबंध है उकर आधार पर रोड़े के देख सकेला कि आर्य भाषा का संबंध के साथ नागपुरी का क्या संबंध है। अन्य भाषा जो हमरे बीच हैं उकर भी इकर से का संबंध है, ई भी रोड़े के जाने के चाहिए। तो यहाँ पर सवाल उठेला कि हम नया आदमी है, हमके नागपुरी लेख चाहिए कि नहीं, हम नागपुरी पढ़े चाहिए कि नहीं, कहीं खतरा तो नखे। लेकिन हर चीज़ कर एक अपन खतरा है, अच्छा और बुरा दोनों पहलू होएला। खतरा इकर में ही है कि रोड़े मन नहीं लगा, तब मन लगाते कोनो काम करे के लिए समर्पित भाव से काम करे के जरूरत पड़ेला। नागपुरी में समर्पण चाहिए कितना, तो एक घंटा का समर्पण चाहिए। 24 घंटा में एक घंटा अगर रोड़े निकला पा रहे थे तो नागपुरी कभी भी रोड़े के दुख नहीं दे। दुख देख कर मतलब है कि हमरे का टारगेट तो 100 क्वेश्चन होएला, और 100 क्वेश्चन में अगर 95 से कम सवाल बना थे तो हमरे दुखित हो सकेला। लेकिन जो इतिहास है नागपुरे कर विषय कर विश्लेषण करे का तरीका है, रोड़े कर हर यूनिट में सवाल बनाए का तरीका है, सवाल के साथ खेले का तरीका है, जे के इंटरटेनमेंट कहना, मनोरंजन कहना, खेल खेल में शिक्षा कहना, इकर आधार पर रोड़े बहुत आसानी से अपन बात के राख सकेला। रोड़े का समझ विकसित हो जाए, परत दर परत खुलते जाए, रोड़े का भाषा का रहस्य खत्म हो जाए। तो भाषा का रहस्य के खत्म करे है, परेशानी खत्म करे है, कहे कि भाषा तो हमरे के संस्कार में बसल है।
रौरे कोनो न कोनो रूप में नागपुरी से जुड़ल आहे, जेके रौरे सदान भाषा कहेला या सदानी भाषा कहेला। झारखंड में दुई तरह का गणित है, एक तो जनजातीय भाषा और दूसरा है सदानी भाषा। तो सदानी भाषा का अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, नहीं समझते, तब एक सवाल हो जाएगा, क्या रौरे दिकू तो नखे? तो दिकू एक ऐसा टर्म है कि बाहरी आदमी मन ले इस्तेमाल होएला, लेकिन हम दिकू नखे कल के झारखंड कर आदमी मन के दिकू कहले होले बड़ा गुस्सा लागेला, खीस लागेला, परेशान होए ना। ये परेशानी काले होएला कि हमरे का तो संस्कृति है नागपुरी के साथ, हमरे नागपुरी में जीला, नागपुरी में आगे बढ़ेला, नागपुरी में सोचेला और नागपुरी के माध्यम से आज सरकार नौकरी देते, इकर ले हमरे सरकार के धन्यवाद भी दे सकेला। लेकिन ये नौकरी रोरे के मिले या दूसर के मिले, ये तो बात तभी सामने आवेला कि रोरे का मेहनत का हुई। रोरे विषय के लेके डरा थे, लेकिन सरकार न खे डरात, सरकार तो दूसर भाषा के भी हटाए के नागपुरी के फायदा पहुँचाते, संथाली के फायदा पहुँचाते, मुंडारी के पहुँचाते। तो हम और रोरे यही प्लेटफॉर्म में काम करते कि करियर फाउंडेशन रोड़े के ये बात कर मौका देते कि अपन सफलता का श्रेय अपन हाथ में रखो, करियर फाउंडेशन कर साथ रहें, करियर फाउंडेशन रोड़े के मदद करें, रोड़े सफल हो तो करियर फाउंडेशन सफल हो, रोड़े सफल हो हम सफल हो, रोड़े सफल हो घर परिवार सफल हो, रोड़े सफल हो झारखंड सफल हो। झारखंड में एक नया संरचना हमें देखे चाहते कि भाषा के प्रति जो पहले चक्रव्यूह रहे, बाहरी आदमी बना लें और नागपुरी के तोड़े का प्रयास कर लें, लेकिन तोड़े के नहीं पाई रहे, इकर सबूत के चलते आज झारखंड कर हर भाषा द्वितीय राजभाषा का रूप में है और रोरे और हमरे यह भाषा कर बारे में काम कर थे। तो यहाँ पर सवाल होएला कि पढ़े का है, हम काले पढ़ब नागपुरी, नागपुरी ये चलते पढ़ब कि इकर में 100% उपलब्ध सामग्री जो है वो रोरे कर पहुँच में हुई। नागपुरी पढ़े के लिए रोरे के बहुत मेहनत भी नखे करे, कुल मिला के 400 रुपया कर आसपास का खर्चा आवेला किताब कर। वो किताब कर माध्यम से रोरे नागपुरी के बहुत अच्छा समझ सकेला और अपन एबिलिटी के लगाए के जहाँ नहीं होते हुआ रोरे आउटसोर्सिंग कर सकेला, हुआ रोरे का जरूरत है कि आउटसोर्सिंग का लगे होएला। इके कहा जाएगा पीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक रोरे, रोरे पब्लिक के रूप में हम देख सकेला। यहाँ पर कितना छात्र मन है उस आधार पर, यहाँ पर प्राइवेट, यहाँ पर एक टीचर वर्ग है जे हरोरे के कहते, और पार्टनरशिप ये दोनों कर बीच कर जे विभाजक रेखा है, हियाँ इके रौरे कर ई दूर करी और इके ई दूर करी। रौरे का सवाल कोनो भी टॉपिक के समझे के लिए काफ़ी हुए। जब रौरे या कोई भी कोनो सवाल नहीं जाने ना, कोई भाषा या कोई शब्द या कोई टेक्निकल चीज़ आवेला, कोई टर्म सन आवेला, तब रौरे सहायता ले गेला ई पार्टनरशिप कर। पार्टनरशिप कर मतलब होएला कि रौरे के चाही का और जे रिसोर्स पर्सन है रौरे के बताई का, अपन से बताते तो उकर में खतरा बहुत ज़्यादा है। खतरा इले है कि उकर ठेने एक लिमिटेशन है, लेकिन हर छात्र ठेने नैसर्गिक प्रतिभा है, वो अपन बात के सामने रखे कर कोशिश कर सकेला। उकर माइंड सेट जो होएला वो नया नया इनोवेटिव आइडिया लेके आवेला और ये नया आइडिया रौरे के और हमरे के कामयाब बनाकर मूल मंत्र होएला। यह मंत्र के आधार पर हम और रौरे अपन अपन काम कर सकेला और जब हमरे ये काम के करेला तो सफलता निश्चित होएला। अब ये सब्जेक्ट का रहस्य के रौरे देख सकेला कि सब्जेक्ट का रहस्य क्या है कि हम और रौरे कहाँ से आई, कि हम हियाँ रौरे के सपोर्ट करे के लिए आवते, रौरे हियाँ कई रूप में आई, दूर बैठल है फिर भी ना डराओ, रौरे का घर तक सवाल पहुँचाते, घर तक रीडिंग मटेरियल पहुँचाते, घर तक पाठ्यक्रम पहुँचाते जेके रौरे अपन साधन बनाए के परीक्षा के जीत सकेला। परीक्षा तो एक डर होएला, परीक्षा कर हॉल से निकलने के बाद लगे ये सवाल तो हम जानत रहे गलती हो गलक, यही खतरा होएला कोनो भी परीक्षा के देख में। रौरे जब परीक्षा देते तो एक समय हम भी परीक्षा देते रहे और हमके भी डर लगत रहे, लेकिन ये डर तो थोड़े दिन ले रहे। अब जब नागपुरी में समर्पित होकर जुड़ गए, इकर गहराई के जांचे का प्रयास कर ले, इकर मूल मूल बिंदु के समझे का प्रयास कर ले, तब इके विश्लेषण कहे ना, और यही विश्लेषण रौरे के कोनो न कोनो रूप में कामयाब करेला। सफलता का मंत्र कहाँ छुपल है रौरे, देखो कि हमरे यहाँ जो विभाजक रेखा खींची इकर बीच में है, और ये विभाजक रेखा के रौरे ऐसा देखो कि यहाँ पर टॉपिक है रौरे ठेने, इस टॉपिक का रौरे के पढ़े है। नागपुरी में जो भी टॉपिक रौरे के मिलते, चाहे वो व्याकरण का मिलते,
चाहे रोरे का लोक साहित्य कर मिलत थे, चाहे शिष्ट साहित्य कर मिलत थे, चाहे बन केवरा कर मिलत थे, चाहे कुछ और मिलत थे। टॉपिक था यहाँ पर, इस टॉपिक के रोरे बड़ा करे का कोशिश करो। यहाँ जो संक्षिप्त है इके दूर तक ले जाओ। अब यहाँ जो रोरे का क्वेश्चन 5 निकलत रहे, अब इके रोरे 500 क्वेश्चन बनाए का कोशिश करो। ये 500 क्वेश्चन यहाँ से बने, ये 500 क्वेश्चन यहाँ से बने, रोरे का सफलता सीधा है जाए। रोरे भी काम पे कर सकेला, लेकिन हर काम अपन बूते हो तक तो संसार की संरचना बहुत छोट हो जा तक। अपन बूते कुछ काम हो सकेला जिके आउटसोर्सिंग कहल जाएला, कि रोरे के दूसर का हेल्प लेक चाहिए, तभी हम कहले कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जरूरत है। रोरे का काम हम अपन आधार पर करब, रोरे अपन काम अपन आधार पर करब, दोनों का सफलता एक दूसर से जुड़ल है। रोरे अगर कामयाब होती तो हम कामयाब हो, ये हम पहले ही कह चुके। तो स्थिति यह आवत है कि कामयाबी तो आज हमारे बीच में सीधा सीधा आवत है, तो ये कामयाबी के हमारे चुने का प्रयास करब। अब रोरे सोच सकेला कि नागपुरी में हमरे के करे क्या है। रोरे के एक चैप्टर बता ली भाषा विज्ञान कर एक चैप्टर रोरे के बता ली, एक अध्ययन करे का है जे रोरे के तकनीकी पक्ष होएला। रोरे के हब के भाषा विज्ञान का चीज़ है, विज्ञान तो वो सिस्टम होएला कि बारीक से बारीक चीज़ का भी विश्लेषण कर लेवेला। ये बारीक चीज़ जे भी विश्लेषण होते, जे रोरे का शंका है उस शंका के दूर करी। तो भाषा विज्ञान हमारे आधार पर नहीं बल्कि विद्वान मन के आधार पर है। चाहे रोरे देवेंद्र नाथ शर्मा का नाम ले, भोलानाथ तिवारी का ले, मैक्स मूलर का नाम ले, किकरो नाम ले, जो व्याकरण लिखते हैं वो भी भाषाविद हो ना, वो भी के विशेषता के बहुत बढ़िया से बताए ना। तो हम और रोरे ये भाषा विज्ञान के आधार बनाए के अगर चलते तो करीब करीब रोरे के 10 क्वेश्चन यहाँ पर रोरे सॉल्व कर सकेला। 10 सवाल रोरे का सॉल्व हुई। तो ये 10 सवाल पहला ही फाउंडेशन है कि जे रोरे का बैकग्राउंड के बताएला कि रोरे भाषा के पढ़ते का है। हिंदी पढ़ती तोबर भी वह पढ़ते, अंग्रेजी पढ़ती वही पढ़े वह पढ़ब, संस्कृत पढ़ब तो वह पढ़ब। मतलब पृष्ठभूमि के बताए कि भाषा शुरू कहाँ से हुए, भाषा का मूल संवेदना कहाँ है, भाषा केकर है के, भाषा का ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड का है, एक नामकरण का अलग है बदललक, ये सारा बात कहीं ना कहीं रोरे का भाषा विज्ञान है। जैसे मान लो नागपुरी लिए बात करब लिपि का, नागपुरी में कौन कौन लिपि का व्यवहार हुए, आज तक एक लिपि काले विकसित नहीं होले, रोमन लिपि हमारे बीच में अलग, तो ये रोमन लिपि हमारे बीच में अलग जबकि तो विदेशी लिपि है के। रोरे कह सकेला कि रोमन तो बाहरी है आदमी मना लें, लेकिन उमन आए के अपन काम नहीं कर लें, हमारे कर भाषा के बढ़ाए कर काम कर लें। आज नागपुर के यहाँ तक पहुँचाए में ईसाई मिशनरी मन सबसे बड़ भूमिका निभा है, और वो भी कौन तो विदेशी ईसाई मिशनरी मन। रोरे देख सकेला कि रांची में या झारखंड में शिक्षा का जे उत्थान है उकर में डी बराबर जैसन विद्वान का नाम आवेला, जे जेवियर कॉलेज के माध्यम से हमरे बीच आलें। रोरे नाम ले सकेला कामिल बुलके के, उमन हमरे ले काम कर लें। तो काम कहीं से भी होते फायदा तो हमके मिला थे। रोरे जे एंगल से काम करब, जैसे मान लो रोरे काम करते थे नागपुरी में और कहब कि नागपुरी हमके सफलता दिलक, सफलता तो झारखंड के देते, रोरे के परिवार के देते, रोरे के घर कर देते। तो सफलता कर मानकता एक जगह से नहीं निकलेला, कई जगह से निकलेला। तो ये सारा चीज़ तभी होएला कि सार्थक प्रयास होक चाहिए। सार्थक प्रयास करे है मतलब होएला कि रोरे की जो जरूरत है हम देव, घर बैठल पहुँचब रोरे। अपन जे घर भटे घर बैठल हमरे पहुँचत थे रोरे ट्रेन, तो रोरे कर कामयाबी मोबाइल में छुपला है। मोबाइल में हर चीज़ है, रोरे गूगल में देख सकते, रोरे यहाँ कर ऐप में देख सकेला, करियर फाउंडेशन रोरे के जे यूट्यूब चैनल बताते उकर माध्यम से देख सकेला। सफलता तो धीरे 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 आवेला, पढ़े का तरीका बदले के पड़ेला। स्कूल कॉलेज में रोरे पता नहीं कितना सवाल पूछ ले अपन शिक्षक से, लेकिन यहाँ तो सवाल रोरे के पूछे पड़े, सवाल टीचर के गाइड करेला और क्लास के गाइड करेला। रोरे के एक सवाल कोई इनोवेटिव आइडिया पर हुई तो सबके लाभ पहुँचाई, वहाँ पर 100% हो सकेला। तो रोरे भाषा विज्ञान के माध्यम से भाषा के तक पहुँचाते, तो भाषा विज्ञान में ही हमारे आगे आके लिपि की भी देख सकेला, लिपि के माध्यम से हमारे आगे बढ़ब। अब नागपुरी में कई थी लिपि, बंगला लिपि, उड़िया लिपि, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि है। तो ये लिपि का जो गणित है यहाँ पर रोरे का सवाल आवेला। रोरे जानते थे कि ये लिपि का है, एक सीधा मतलब होएला लिपिक,
के लिपत है हमरे ध्वनि के लिपत है, ध्वनि के लिपे के लिए हमरे लिपिकर होला। और यहाँ पर ध्वनि के लिपे के लिए क्या कहते हैं हमरे उच्चारण करते है, जे उच्चारण करते है वो उच्चारण के लिखे का व्यवस्था है जेके संकेत चिन्ह कहल जाएगा। इस संकेत चिन्ह के माध्यम से रोरे लिखते है। और रोरे कहब कि संकेत चिन्ह का है के संकेत चिन्ह वो है के जेके रोरे वर्ण कहेला या जेके रोरे अक्षर कहेला। ये वर्ण और अक्षर का गणित जो है ये कहाँ आके सिमट जाएगा, ये वर्णमाला में हो जाएगा। ये वर्णमाला के आधार पर रोरे जे देखब वर्णमाला के आधार पर रोरे के पता चली कि यह वर्णमाला हमारे घर कामयाबी कर पूरा रास्ता तय करी। हमारे जे लिपि के लेवत थी उसके आधार पर भाषा कर विशेषता सामने आवी। से चलते भाषा यहाँ पर ध्वनि है तो इकरे लिखित रूप के हमारे लेके आओ, तो ये लिखित रूप के लिखे के लिए हमारे के लिपि के जरूरत आवी। और से चलते नागपुरी लिखे के लिए जे हमारे ई लिपि मन के जे कैथी शुरू में होलक बंगला उड़िया देवनागरी रोमन होलक ये देवनागरी लिपि में नागपुरी लिखल जाते। 90% साहित्य देवनागरी में है और ओरे भी के गाहे बगाहे डेली यूज में लाना थे। हिंदी कर भी लिपि देवनागरी ना लागे, संस्कृत कर है के इस संस्कृत कर लिपि हिंदी में, तो हिंदी से हमारे नागपुरी में नहीं बल्कि संस्कृत से नागपुरी में आवत है। तो ये नागरी लिपि से विकसित है। अब ई लिपि कर इतिहास के रोरे और पीछे चल जाओ तो ये अक्षर लिपि है के, और अक्षर लिपि का शुरुआत फिर कहाँ से ब्राह्मी लिपि से हो है। ये ब्राह्मी लिपि अक्षर लिपि कर मूल मंत्र है ब्रह्म भगवान ब्रह्मा का नाम से हमरे ई लिपि के देखत ही। तो ये भगवान ब्रह्मा लिखे के तरीका के कहते हैं और रोरे के पता है कि जब भगवान लिख कर माध्यम से हमरे लिखे का तरीका देखत ही तो हियाँ रोरे कलम दुआत कर पूजा करते देखते है। उनकर हाथ में भगवान ब्रह्मा कर हाथ में कलम और दुआत है। तो हो लगा कि लिखे भाषा का दस्तावेजीकरण है। एखन हम जो कुछ वर्ण लिखे वो नागपुरी से अलग है, वह हिंदी से अलग है कि रोरे का उच्चारण देखते कि हम उच्चारण के बदल दे ही यहाँ पर अलग ना का व्यवहार है, यहाँ अलग ना का व्यवहार है। तो तकनीकी अक्षर तकनीकी आधार पर हमारे ना के कुछ बदल सकेला। तो स्थिति ये होला कि जो बदले कर स्थिति है वो के हमारे बदल सकेला। अब ये जब हमारे एक ध्वनि कहती तो ये ध्वनि कर जो मूल विशेषता है रोरे के बताली वर्ण में। अब ये वर्ण कर आधा विशेषता या बड़ा विशेषता रह कहब तो रोरे वर्णमाला में है। इस वर्णमाला के रोरे बांटे चाहते तो ये बात के स्वर पर एक व्यंजन पर एक व्यंजन पर व्यंजन पर रोरे देख सही स्वर का जो बंटवारा होएला एक रोरे दो आधार पर देखेला हर्ष स्वर रोरे का दीर्घ स्वर। एक तीसर विशेषता आ जाएगा जिसे मात्रा कहल जाएगा। अगर इतना में पकड़ है तो रोरे कर कम से कम दो गो सवाल तो हिये से आवी ई हर्ष वर्ण कर दीर्घ वर्ण कर और मात्रा कर संबंधित से रोरे का परीक्षा का कामयाबी तो एक से देखल जाए। तो ये कामयाबी हमरे और रोरे का कामयाबी हुई कि रोरे तनिक देरी पहले देख ले कि भाषा विज्ञान के माध्यम से 5 से 10 क्वेश्चन यह वर्णमाला कर आधार पर 2 क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन क्या है हर्ष स्वर में रोरे जब बात करेला तो एक मूल वर्ण है अ ई ओ। ये तीन का व्यवहार हमरे करेला। अभी तीन का व्यवहार में एक चीज का सवाल आवेला कि अ कर व्यवहार कहाँ कितना। ई वर्ण सबसे ज़्यादा नागपुरी में व्यवहार होला हर शब्द के साथ जुड़ल है। ई जे ई है ई नागपुरी कर उच्चारण के बदल देवेला। इस चलते ई संस्कृति से प्रभावित आ है और इस संस्कृति में एक विशेषता होला जेकर कहल जाएला कि नागपुरी में अपनिहिति कर विशेषता। ई ध्वनि संबंधी जो विशेषता है अपनिहिति कर इकर में रोड़े का 4 उदाहरण दूत उदाहरण आवी जैसे मान लो कैर ये उच्चारण बदल गलक चार ये उच्चारण बदल गलक राइट ये उच्चारण बदल गलक। तो यहाँ पर रोड़े ई देखा थे कि ई वर्ण बीच में आवा थे छोटी कर रूप में और दुयो बटे व्यंजन वर्ण है। तो ये व्यंजन वर्ण कर बीच में छोटी कर व्यवहार हुए अपनी हिति का व्यवहार है और यह नागपुरी का संस्कृति के सबसे ज़्यादा बदलेला। तो अगर रोरे नागपुरी संस्कृति का जाति इकर पता है तो उच्चारण पता है जे उच्चारण रोरे यहाँ वर्णमाला के साथ में देखा थे। तो जे हमरे का जरूरत है उकर आधार पर हमरे का व्यवहार करेला और यह आधार पर हमरे आगे बढ़ेला। तो यहाँ पर एक सवाल हो गलत अब नागपुरी में लिखे का तरीका वो भी बदल जाएगा। जैसे आप से लिखा थे यहाँ दरोगा होएला रोरे देखब नागपुरी का उच्चारण में
या दरोगा होएला, आकाश होएला, आदमी होएला, उच्चारण हिंदी से तनिक डिफरेंट होएला। तो ये उच्चारण में जो है रोरे के और हमरे के प्रभावित करे ना, काले के इकर उच्चारण दारोगा नखे, आकाश नखे, आदमी नखे, उच्चारण बदल जाते। ये है उच्चारण संस्कृत से रोरे बीच में आवा थे। तो हम अरोरे संस्कृत से अगर वाकिफ है तो उच्चारण से वाकिफ है। और एक से दो सवाल तो इकरे आधार पर बने कि नागपुरी में कौन कौन शब्द मन नागपुरी संस्कृति के साथ जुड़ला है। इगर में चार गो शब्द दिल जा सकेला और पूछल जा सकेला कि नागपुरी संस्कृति अनुसार इकर में कौन शब्द के रोरे वाजिब मानेला, तो उच्चारण का आधार पर हो गलक। तो ये तीन वर्ण रोरे ठीक आ गलक। अब इकर में रोरे दीर्घ वर्ण के देखत है तो दीर्घ वर्ण का जो गणित है उके रोरे दूसरे ढंग से देख सकेला दीर्घ वर्ण का गणित के। अब ये दीर्घ वर्ण में हमारे का सामान्य व्यवहार है आ ए ओ ए ओ, ये कॉमन व्यवहार है इतना सा। हमरे जो वर्ण का व्यवहार नहीं करेला, ए नहीं करेला, औ नहीं करेला और री का व्यवहार नहीं करेला से चलते दीर्घ वर्ण में इतना सा बदले का जरूरत पड़ेला। आई के हमरे बदल देला, इके बदलीला उच्चारण इकर बदल जाएला, आई इकर उच्चारण औ बदल जाएला, इकर उच्चारण री के रूप में बदलेला। अब ये उच्चारण जो है ये रोरे के प्रभावित करेला। जैसे रोरे लिखेला जैसे नागपुरी में लिखे का तरीका है जैसे कैसे का लेके रोरहियाँ देखा थी आई और औ हमारे बीच में दो वर्ण है, ई आई के देखो और ई औ के देखो, रोरे कर हर सौ वर्ण पता चली हियाँ अ अ कॉमन है, ई अलग है, ई अलग है, तो ई अ अ कॉमन है, मतलब ये तीन वर्ण रोरे देखा थी। इकरे में नागपुरी का पूरा गणित है। लिखे के लिए भी रोरे इकरे इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ तो रोरे के समझे है कि हमारे तीन वर्ण पर नागपुरी में फोकस करते, ये तीनों वर्ण नागपुरी के उच्चारण के बदलत हैं। इकर में ये दो गो हैं, इकर मात्रा का व्यवहार हमरे नहीं करीला, ई मात्रा का व्यवहार नखे, इकर में ई मात्रा का व्यवहार नखे, इसे चलते हमरे लिखे के लिए विकल्प ध्वनि का इस्तेमाल करीला। तो ध्वनि संबंधी विशेषता रोरे कर यहाँ से आवत है और ये मात्रा में रोरे के ये दोनों आ गलक कि इकर आधार पर हमरे इकर व्यवहार नहीं करते। ई आधार पर रोरे दिखाते कि हमरे का सवाल कहाँ से बने, हमरे का सवाल स्वर वर्ण से। ये तीन आधार पर ये एक तो रोरे इके देखा थे, ये तीनों के रोरे यहाँ देखा थे कर व्यवहार नखे, यह व्यवहार के हमरे बदले कर चाहत में है। अगर ये बदल लेते तो नागपुरी में गलती नखे, संस्कृति आधार पर है। मात्रा का अन्य वर्मन जो हैं जैसे मैं लोग रोरे देखा थे अंग और अह कर व्यवहार हुई, सामान्य रूप से कर व्यवहार हुई लेकिन कम होएला, नागपुरी कर भाषा का गणित कर आधार पर कम है। लेकिन हियाँ जब रोरे व्यंजन वर्ण में देखब तो रोरे के पता चले कि व्यंजन वर्ण में हमरे काल के कर थे। व्यंजन वर्ण में करे का तरीका नागपुरी के लिखे के क्षमता कर आधार पर है कि हमरे काल के नागपुरी के लिख सका थी वाली बात है। रोरे हियाँ देखो व्यंजन वर्ण में अन ए ध्वनि है, रोरे के तालिब श ए ध्वनि है, मूर्धन्य श, इन तीन वर्ण कर नखे व्यवहार हमरे कर। अब ये वर्ण कहाँ से आवत हैं तो इके स्पष्ट वर्ण से रोरे देखा थे, ये स्पष्ट वर्ण का अन है, ये उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। अब ये उष्म व्यंजन और इकर व्यवहार नागपुरी में रखे, इकर विकल्प ध्वनि में हमने इके लिखेला, इके लिखेला, इके लिखेला, ये तीनों तो पहले से नागपुरी में ऑलरेडी हैं। से चलते ध्वनि संबंधी विशेषता में ये देखो कि तीन वर्ण हमरे व्यंजन वर्ण में इस्तेमाल नहीं कर थे। जब हमरे इकर इस्तेमाल नहीं कर थे तो और कौन सा वर्ण है, तो नागपुरी उच्चारण में रोरे देखब ई छ कर, ई तर कर, ई ज्ञ कर और ई सर कर, ई नागपुरी का ध्वनि से मेल नहीं खाए ना, से चलते इके भी लिखे का तरीका हमरे बीच नखे। से चलते जे देवनागरी लिपि और नागपुरी में समानता होएला तो इके विकल्प ध्वनि में छ लिखल जाएला, इके तर लिखल जाएला, इके ज्ञ लिखल जाएला और इके स्र लिखल जाएला। लिखे का तरीका अलग अलग हो जाएगा, जैसे छेत्र लिखे खा ई आधार पर, पवित्र लिखे खा ई आधार पर, इके ज्ञान लिखे खा ई आधार पर, इके श्रेष्ठ लिखे खा ई आधार पर हमरे लिखे का तरीका के बदल देला। तो हमरे नहीं बदलेला बल्कि नागपुरी संस्कृति के आधार पर बदलेला। और यह नागपुरी संस्कृति हमरे और रोड़े के जोड़ के राखी, काले कि हमरे पहले झारखंडी है, अब पहले नागपुरी है, पहले सदानी है, तो ई आधार पर हमरे बदले का प्रयास करेला। अन्य वर्ण जो हैं उनका ध्वनात्मक विशेषता तनिक अलग है। जो व्यंजन वर्ण में रोड़े और वर्ण देखब जैसे अंतस्थ व्यंजन य,
ई कहीं कहीं ज में बदल जाला जेकर व्यवहार रोरे खूब करेला, जैसे यदि नहीं कही के जदि कहेला, रोरे का व्यवहार बदल जाएला। यहाँ पर ई ज में बदलेला और जदि रोरे नागपुरी में ऐसा लिखेला। आम बोलचाल में भी रोरे यह नहीं कही के जे यदि है उ ज में बदल जाएला, उस वह लखे ल देखब र में बदल जाएला, जैसे फल नहीं कही के फर, पीपल, पीपल नहीं कही के पीपर, हरदी नहीं कह हल्दी नहीं कही के हरदी। तो यह ध्वनि संबंधी परिवर्तन है जिके रोड़े के जाने के चाहिए। य ल और व, ये तीन ध्वनि बदले ना, ये ब में बदली वन नहीं हो के वन हो जाएला। तो ये तीन ध्वनि जो बदली रोड़े कर इकर में से एक से दो क्वेश्चन है आवी, मतलब सिर्फ ध्वनि और वर्णमाला के अगर रोड़े ठीक से देखती तो रोड़े के दो क्वेश्चन ही यहाँ बने चाहिए। तो क्वेश्चन कितना है, जितना वर्णमाला है सब पर सवाल हो सकेला, लेकिन सवाल तो परीक्षा का आधार पर पूछल जाएगा और परीक्षा तो एक लिमिटेशन है, सबके तो नहीं दिल जा सकेला। रोड़े के चाहत तो सिर्फ वर्णमाला पे लगभग लगभग 100 क्वेश्चन बना सकेला, लेकिन रोड़े के सिर्फ समझे है इकर में दो गो क्वेश्चन रोड़े का परफेक्ट हो चाहिए। कोई भी क्वेश्चन फैक्टर हो तो वर्णमाला के ध्यान दें, वो भी देवनागरी लिपि का वर्णमाला, कैथी लिपि का वर्णमाला नहीं पूछी, रोमन लिपि का वर्णमाला नहीं पूछी। अगर रोमन लिपि से नागपुर लिखल जाते रहे तो रोरे देखो कि जो रोमन लिपि है इकर भी गणित का है कि इकर में ए ई आई ओ यू पांच गो भावेल हैं, ये पांचों भावेल का व्यवहार नागपुरी का गणित के आधार पर तनिक कम है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट हैं उकर में देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये चार गो जो ध्वनि हैं इकर नागपुरी ध्वनि से मेल खाए कर कोनो गुंजाइश नखे। नतीजा है कि हमारे चार ध्वनि और ये पांच ध्वनि के देखा थी तो इकर में खास कर देखो कि जो 26 वर्णमाला उकर में 22 वाचन है, ये 22 में नागपुरी लिखे बहुत कठिन है। तो एक कठिनाई के समझते हुए रोरे अगर ध्वनि पर वर्ण पर जाती तो मान लो इतना बड़ा टॉपिक के एनालिसिस करते करते दो दिन तीन दिन का टॉपिक आवी और तीन दिन में रोरे दो क्वेश्चन करत थी। मान के चलो कि रोरे एक दिन में दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन करत थी, 50 से 60 घंटा रोरे के लागे के चाहिए, विषय का विश्लेषण हो जाए। और 50 से 60 घंटा नहीं बल्कि और भी बढ़ा सकेला अगर जरूरत है तो। जैसे ध्वनि के बाद रोरे के क्या पढ़ेगा, शब्द पढ़ेगा, रोरे के वाक्य पढ़ेगा। अब यहाँ पर ये व्याकरण किताब है इकर बारे संक्षिप्त जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इतना सा सेगमेंट जो हो रहे हैं इकर साथ में रोरे भाषा विज्ञान का जोड़ा थे, ये भाषा विज्ञान का जोड़ा थी तो रोरे समझ लो कि भाषा विज्ञान और इतना से पूरा का पूरा व्याकरण। अभी व्याकरण में क्या है, एक तो किताब है व्याकरण का इतिहास कौन कौन है कब से कहाँ कौन केकर माध्यम से कब, ई आधार पर रोड़े देखब तो यहाँ पर कुछ सवाल बनी। अभी व्याकरण में रोड़े देखब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण जिके रोड़े मोटा मोटी कह सकेला क्रिया विशेषण के, ये अव्ययकर पाठ है, अव्ययकर पाठ है। अब यहाँ पर अन्य जो बचत थे कारक लिंग वचन काल समास और अन्य उपसर्ग प्रत्यय जोड़ सकेला रोरे, उपसर्ग इके जोड़ सकेला, प्रत्यय इके जोड़ सकेला। तो मोटा मोटी रोड़े का व्याकरण है यहाँ आवत है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण अव्यय कारक लिंग वचन काल समास, ये सब रोड़े का विषय हैं कि कर तो ये व्याकरण कर। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक के रोड़े का उठा के देखती तो यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन रोड़े कर भाषा विज्ञान का सहित यहाँ पर रोड़े का सिलेबस है जेकर में ध्यान देख है। बड़ा खुशी कर बात है कि रोड़े बचपन से व्याकरण पढ़ा थी, तीसरा क्लास से व्याकरण आवेला, केकरो नाम के संज्ञा कहल जाएला, संज्ञा कर व्यवहार करे के नहीं पड़े उकर ले जे शब्द का इस्तेमाल होला ओके सर्वनाम कहल जाएला, संज्ञा और सर्वनाम कर जो विशेषता बताएला ओके विशेषण कहल जाएला।
रोरे एक लाइन में जाना थे, ये एक लाइन के पढ़ाई के यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन का एनालिसिस रोरे करते चलो, रोरे का सवाल बने। तो जो की पॉइंट है, रोरे कहा कि तो व्याकरण तो हिंदी में भी है, तो हिंदी का जो व्याकरण है वो व्याकरण अलग है, नागपुरी का अलग है, लेकिन नागपुरी भाषा का संस्कृति एकदम अलग है। यहाँ पर जरूरत है कि विश्लेषण करे के क्षमता का है, रोरे के बताल गया विश्लेषण करे के क्षमता के, तो रोरे यहाँ से निकलाऊ राइट। मान लो रोरे संज्ञा पे जाती, यहाँ संज्ञा पे जाती, अब संज्ञा पे जाती तो इसके कितना लंबा कर सकेला, ई रोरे के एबिलिटी पर है, ई एबिलिटी है चाहे रोरे के पूछल जाए कि संज्ञा कितना, तो रोरे कहला कि संज्ञा 5 है। कौन कौन, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, लेकिन केकर आधार पर हैं इके अगर नहीं जाना थे तो संज्ञा के बताए मुश्किल है। संज्ञा कर 5 आधार अर्थ का आधार पर हैं। अब अर्थ का आधार के और बदल दो कि अर्थ का आधार पर रोड़े का संज्ञा अगर 5 हैं तो और भी तो आधार हो सकेला, यहाँ पर अर्थ के बदल दो दूसर संज्ञा बन जाए उकर भी बोल सकेला कि संज्ञा का आधार ही है। अब यहाँ पर जो रोड़े का संज्ञा का सेगमेंट्स ये आवा थे यहाँ पर, इकर में रोड़े का क्वेश्चन बने, इकर में जितना अच्छा जितना दूर तक रोड़े जा, यहाँ पर सैकड़ों संज्ञा का विचार हुई कि कौन संज्ञा है, तब जाके रोड़े का संज्ञा कंप्लीट हुई। तो संज्ञा का कंप्लीट हुए हमरे लिए कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बताई। अब पूरा का पूरा व्याकरण यूनिट के देखा थे कि संज्ञा पर सवाल आवा थे तो सर्वनाम पर भी आ सकेला, विशेषण पर भी आ सकेला, काले कि सबसे कठिनाई यही टॉपिक मन में है। यह क्रिया विशेषण भाषा के पकड़ के या जकड़ के राई के इके जाने के चाहिए, इकर माध्यम से रोड़े अव्यय के जानू। अब ये अव्यय के जाना थे तो अव्यय में और भी कुछ है, 5 तरह का अव्यय है ना, कौन कौन, तो रोड़े कह सकेला कि यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय का पाठ है, रोड़े कर संबंध बोधक अव्यय का पाठ है, रोड़े कह सकेला समुच्चय बोधक अव्यय का पाठ है, विस्मयादी बोधक अव्यय का पाठ है, और दूसर पाठ के अगर देखा थी तो निपात कहल जाएला। अब कोई निपात से रोड़े अगर नहीं समझा थी तो यहाँ पर रोड़े एक शब्द होएला, इके देख लो ये जून शब्द ये निपात कर है, रोड़े कह सकेला मोए जून नागपुरी पढ़त हों, ये जो मोए जून नागपुरी पढ़त हों, मोए जून नागपुरी पढ़त हों, रोड़े के सुनेक में और बोलेक में बड़ा मज़ेदार हुई कि ये जून का व्यवहार कहाँ से है, जून कौन तरह का शब्द है, तो ये इस शब्द रोड़े के बने। रोड़े कहिला इकरे में रोड़े कहिला एक गो आदमी पेठिया में रहे। अब ई एक गो आदमी पेठिया में रहे, ई गो का है तो ई भी निपात के रूप में आवी। विस्मयादि बोधक में क्या होला, वाह धोनी छक्का मार दलक, वाह दीपिका गोल्ड मेडल जीत गलक, सावधान उ तो के मारे कावत है। यहाँ पर रोड़े कर वाक्य का डीएनए टेस्ट करे है, तो यहाँ पर जो शब्द का डीएनए रोड़े करे के लिए यहाँ है, इस शब्द का डीएनए रोड़े काला के करेला, इकर एक खेजा होएला विकारी शब्द जे बदल जावे जाए ना, एक होएला अविकारी शब्द जे नहीं बदलेला। अब ये अविकारी और विकारी शब्द का अगर रोड़े लेवत है तो ये पूरा का पूरा व्याकरण के रोड़े के बताए दी कि व्याकरण पढ़े का तरीका का है। जैसे जैसे रोड़े भाषा में घुसक लागत, रोड़े के पता होक चाहिए कि सवाल हमर बनते जाए, जहाँ सवाल कर पहुँच नखे वहाँ रोड़े अपन दिमाग लगा के पूछ सकेला कि एक जवाब का हो। लॉजिकली सवाल पूछे कर जो संबंध है यह कंपटीशन के आगे बढ़ाएला। परीक्षक भी वह हैं और रोड़े भी वह है, परीक्षक अपन बुद्धि लगा के सवाल बनाए ना, रोड़े भी अपन बुद्धि लगा के परीक्षक जैसे समझो अपन के और परीक्षक जैसे समझब तो वो भी सवाल बनते जाए। तो ये अब तक व्याकरण में अगर रोड़े देखा जाए कि 20 से 25 क्वेश्चन बनलक, तो दूसर क्वेश्चन कहाँ बने उकर भी तो बात है कि दूसर क्वेश्चन कहाँ से आई, तब रोड़े ठिन सवाल आएगा कि व्याकरण के छोड़ के भी एक सेगमेंट्स है जो कि हमारे लोक साहित्य कहेला। ये लोक साहित्य जो है झारखंड में या नागपुर में, ये 2000 साल का साहित्य है, 2000 साल का साहित्य के रोड़े खंगरा। अब ये 2007 में साहित्य में क्या करब, एक सामान्य परिचय दे। सामान्य परिचय के बाद अगर और दूसर के देखते तो एक वर्गीकरण होक चाहिए। ये वर्गीकरण के बताए के पहले ही है तो रोड़े सामान्य परिचय में परिभाषा के भी जोड़ लेते। अब ये वर्गीकरण के बताते तो वर्गीकरण के देखो, लोक गीत पहला है, दूसरा है लोक कथा, तीसरा है लोक नाटक,
चौथा है लोक गाथा और पांचवा है लोक सुभाषित। रोहिणी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बने, तो लोक सुभाषित से बने। हियाँ 15 क्वेश्चन बने चाहिए, हियाँ एक क्वेश्चन आए गलत, हियाँ पर एक क्वेश्चन आए गलत, तो कोनो विशेष न के काले कि हियाँ से क्वेश्चन नहीं भी दे जा सकेला, लेकिन इ कथा से 3 क्वेश्चन, लोकगीत से 3 क्वेश्चन और हियाँ से 15 क्वेश्चन, मतलब करीब करीब रोड़े कर 20 क्वेश्चन तो हियाँ से आवे। अब रोड़े जो लोक कथा हियाँ पढ़े जाते इधर ले एक अलग सेगमेंट्स और है जेकर मैं रोड़े देखते कि कौन कौन लोक कथा पढ़े है, तो हमारे ठिन 5-6 लोक कथा हैं। तिरियाचरित, भाई बहन, बढ़िरने कर बेटा, नवा चांद गोपी चांद, तो ईसन जो लोक कथा मन है रोड़े के अगर पढ़ थी तो बहुत रोमांचक जानकारी मिली। और रोड़े चल जाब आदम जमाना में ऊपरिया में जाब जहाँ साइंस कोनो काम नहीं करत रहे, समाज काम करत रहे, हुआ भी एक से एक अच्छा अच्छा चीज़ है उके निकलायक है। मतलब अपन संस्कृति के जाने का है तो रोड़े लोक साहित्य के पढ़ो और ये लोक साहित्य के आधार पर रोड़े अपन संस्कृति के माध्यम से आगे बढ़ाओ। तो ये जो संस्कृति वाला है इके रोड़े देख सकेला कि हमारे संस्कृति के माध्यम से काला के बढ़ब, तो ये संस्कृति जो है वो हमारे कर विशेषता के आगे बढ़ाई। तो संस्कृति रोड़े देखा थे कि इस संस्कृति के माध्यम से रोड़े और हमारे नागपुरी का लोक साहित्य के जानब और यहाँ से 20-25 क्वेश्चन रोड़े निकला। तो 40-50 क्वेश्चन का जिस सेगमेंट्स तो रोड़े तय कर ले ये आधार पर, लेकिन अन्य सेगमेंट्स जो हो गए उकर पर भी विचार करके चाहिए कि कठिन का है। अब ये लोक सुभाषित के रोड़े अगर देखा थे तो पता चलेगा कि लोक सुभाषित में क्या है, तो एक में मुहावरा है, मुहावरा देखा थे, इकर में लोकोक्ति देखब, मुहावरा के बाद लोकोक्ति, पहली देखब जिके रोड़े बुझवेल कहिला, बुझवेल कहिला, और उकर बाद रोड़े मंत्र देखब। अब नेक्स्ट टॉपिक होएला बाल गीत या खेल गीत। अब इतना सा टॉपिक में रोड़े के 15-20 क्वेश्चन अगर मिले थे तो रोड़े के और सोना पर सुहागा है, रोड़े बहुत आसानी से अपन सिलेबस के कवर कर सकेला। दुई तरीका है, कम पढ़ के समझदारी ज़्यादा, अगर रोड़े नागपुरी कल्चर से होते तो रोड़े देखेला कि एक से एक लोकोक्ति बनल है, नहीं मामा में काना मामा, अघाल बुकली पोठी देता बनल है, दादा के घर से गोर कतारे, तब इकर मीनिंग का अलग हुई। मुहावरा जे रोड़े कहते कि पानी पियाए देख, तो ये जो छोटे छोटे है वो सब रोड़े कर क्वेश्चन कर एनर्जी है, इंटरटेनमेंट कहल जाए लेके इके पढ़े के में बल नहीं लागेला। 2000 साल के इतिहास के रोड़े लगभग 20-25 घंटा में देख सकेला कि मोटा मोटी क्या बात है, रोड़े जान सकेला। तो ये 2 घंटा हमारे के बीच में जो आवत है वो आधार पर रोड़े देखते थे इतना सा सेगमेंट्स हमारे बीच में है, हमारे उके देखते थे रोड़े नया सेगमेंट्स जो आवत है जो रोड़े के परेशान करी उके कहल जाएगा शिष्ट साहित्य, शिष्ट साहित्य कहल जाएगा। ये रोड़े के परेशान करी तनिकोन काले कि इतिहास है के नागपुरी भाषा कर, पहला कवि कौन, पहला कवि कहाँ, पहला कवि कौन, हियाँ से शुरू होएला और हियाँ से होते होते रोड़े के 2021 तक का जो समय है, हियाँ तक जब तक क्वेश्चन सेट होते तब तक रोड़े का परीक्षा जब तक आवते तब तक का इतिहास के जाने का है। इके रोड़े 3 भाग में बैठ दो, एक के पूर्ण काल, एक के मध्यकाल और एक के आधुनिक काल। अब इकर में जे कृति मन है इके जाने के चाहिए, जे कवि मन है उके जाने के चाहिए। अभी पूर्ण मध्य और आधुनिक में जब रोड़े देखा थे तो इकर में किताब के किताब जाने के चाहिए और किताब केकर द्वारा लिखल जाए, कवि के जाने के चाहिए या रोड़े के लेखक के जाने के चाहिए। तो ये देखे में जितना बड़ दिशत है रोड़े कर ये कब से शुरू होते तो रोड़े के जाने के चाहिए कि 17वां शताब्दी से शुरू होते, 17वां शताब्दी से। अब 17वां शताब्दी में रघुनाथ नृपति आवत हैं रोड़े कर,
रघुनाथ निरपति आवाते हमारे बीच में जे रोड़े झारखंड जीएस में खूब पढ़ेला रघुनाथ निरपति के यहाँ पहला पचास पहला कवि नागपुरी कर जे पचासवां नागवंशी राजा रहे। तो यहाँ पर पचासवां नागवंशी राजा के रोड़े का देखा थे तो ये नागवंशी राजा का है झारखंड जीएस का विषय है। रोड़े के बारे में बहुत पूछ थी पहला गीत लिखे के लगल कहाँ से तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रभाव झारखंड में पड़ रहे उकर आधार पर। तो रोड़े का अगर इतिहास में इंटरेस्ट है तो इतिहास से ही आप नागपुरी पढ़ते पढ़ते पाँच से सात क्वेश्चन तो रोड़े के झारखंड का इतिहास के समझ ले। तो झारखंड का इतिहास के साथ हमारे आगे जाते और रोड़े देखते थे कि किताब और कवि और लेखक और अगर कोई अन्य गतिविधि है तो उके जोड़ लो अन्य गतिविधि कर आधार पर भी रोड़े आगे बढ़ सकेला। तो यह इस सब के अन्य गतिविधि मन के रोड़े देखा थी तो सारा का सारा टॉपिक के रोड़े कर कहाँ आवा थे फिफ्थ साइड में करीब करीब 25 सवाल यहाँ आवे। अब इकरे में अगर रोड़े कर जे एक और सिलेबस बनल है बन केवरा जे रोड़े के पढ़े के लिए इंगित करल जाए बन केवरा भाग एक यहाँ से अलग से 10 क्वेश्चन रोड़े के मिल सकेला। तो 25 और 10 35 नंबर का 35 क्वेश्चन का जगह हो जाएगा यहाँ। तो हुआ 50 और यहाँ 35 85 क्वेश्चन का रोड़े का सेगमेंट दिशा थे। तो अब 15 क्वेश्चन का जो सेगमेंट बाँचे थे उकर में भी रोड़े विचार कर सकेला कि 15 क्वेश्चन का सेगमेंट कहाँ आवी। तो ये चीज़ हमरे एक अनुमान कर रहे थे कि हर सेगमेंट से जो क्वेश्चन हमरे मान लो 25 क्वेश्चन यहाँ बताते यहाँ 25 क्वेश्चन लोक साहित्य व्याकरण से यहाँ पर 25 क्वेश्चन मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन लोक साहित्य से यहाँ रोड़े देखा थे फिफ्थ साहित्य से यहाँ पर रोड़े के 30 क्वेश्चन करीब करीब फिफ्थ साइड से। अब अन्य जो क्वेश्चन बचत हैं 20 क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहाँ से आवे तो ये विविध हैं इकर आधार पर ये विविध में संस्कृति आवी संस्कृति से संबंधित संस्कृति का साथ इकर में शब्द जाने को ही इकर में अन्य एक्टिविटीज है संस्कृति के साथ में इकर कई सेगमेंट सोच सके ना शब्द कर कई सेगमेंट सोच सके ना शब्द में कठिन का हुई विलोम शब्द समानार्थी शब्द या सही शब्द सही शब्द। तो इस शब्द में अगर उड़े जाती तो 5 क्वेश्चन ही आवी बाकी हिने कह लो तो 10 क्वेश्चन जहां तहां हो सकेला। तो यह संस्कृति वाला चीज रोड़े के तनिम परेशान कर सकेला। ये परेशान का लखे होएला कि कोनो आदमी के सवाल जे सेट करे के मिलेला दो तीन आदमी चार आदमी के तो उन अपन विद्वत्ता उकर में दिखाए ना कि नागपुरी कल्चर से रोड़े कितना जुड़ल आई बिगर पढ़ले भी बन सकेला। मान लो यहाँ पर विलोम शब्द का बात अलग इकर में एक शब्द है मुठजबरे मुठजबरे इस शब्द है। अब इस शब्द का उल्टा का हुई इस शब्द का समानार्थी का हुई तो नागपुरी कर उसन सुंदर सुंदर शब्द मिले कि जिस संस्कृति के आधार पर हमारे बीच में आए हमारे खोजते रह जाब अगर रोड़े पढ़े में ध्यान है संस्कृति में बोलचाल में ध्यान है रोड़े कोनो न कोनो रूप में जुड़ल ही भाषा से गांव देहात में है शहर में है रोड़े मीडिया से जुड़ल है सोशल मीडिया से जुड़ल है रोड़े शादी ब्याह से जुड़ल है हिने हुने बारात जाइला भाषा के देखेला अखरा संस्कृति है उकर से देखेला या अन्य जे हम विविध बता ले इकर में तो एक नाच गान भी है ये भी हमारे के बीच में है। ये नाच गान में के राग छंद कहल जाएला और राग छंद भी लगभग लगभग हमारे बीच में आवी। ये राग छंद में रोड़े देखे के चाहेला तो राग छंद में रोड़े का देखब तो ये राग छंद में हमारे के बीच में आवेला डमकच ई आवी झूमैर पावस उदासी फगुआ। अब नाच में रोड़े देख सकेला कि नाच में हमरे का बीच में का है जिके नृत्य कहल जाएला इकर में देख सकेला पैका नाच रोड़े देख सकेला नटुआ नाच रोड़े अन्य देख सकेला छऊ नाच। तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं हमरे बीच में है मतलब
नागपुरी पढ़े के लिए रोरे के अपन समाज कर ई घेरा के जाने के चाहिए। अगर ई घेरा में अगर कोई घेरा कमजोर हो जाते तो ये 5 क्वेश्चन छूट सकेला, बल्कि यहाँ पर रोरे देख लो कि 100 में से 95 क्वेश्चन रोरे कर बने के चाहिए, तब रोरे कर और हमार एबिलिटी है इकर से कम बनत है तो पढ़े कर कोनो मतलब नहीं होएला। हिंदी में बहुत कोशिश करेला फिर भी 70-80 क्वेश्चन बनेला, 60 क्वेश्चन बनेला, 55 बनेला, लेकिन नागपुरी में जीवन नागपुरी क्षेत्र का नक है उसन स्टूडेंट्स पिछला रिकॉर्ड जो लाइन है उगर में 100 में से 99 क्वेश्चन बनाए दे हैं, 98 क्वेश्चन बनाए दे हैं सही रूप में। हम जो स्टूडेंट्स के पहले पढ़ाते रहे हाई स्कूल टीचर ले 150 में 147 क्वेश्चन वो बनाए दिलक, पूछ ली 3 क्वेश्चन क्यों नहीं, तो जवाब अलग कि सर 3 क्वेश्चन तो गलत था। तो ये जरूरी जानी ला कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ये भी बात आवेला कि कुछ क्वेश्चन तो गलत रहे ना, तो वो गलत रहे ना नहीं बल्कि क्वेश्चन सेटर का जो मेंटेलिटी है वो उसके साथ एडजस्ट नहीं करेला, फैक्ट के वो नहीं जाने की कोशिश करना, क्वेश्चन सेट करे के लिए रिसर्च करे के पड़ेला और रिसर्च करे के वाला विद्वान जितना अच्छा रिसर्च करे रोरे के फायदा उतना मिले। सामान्य रूप से जो कॉमन क्वेश्चन होएला उकरे में हर आदमी छकाया जाएला जानते हुए गलती होएला। रोरे ई मान के चलो कि रोरे कभी पता नहीं लॉलीपॉप खाए के नहीं, ये है लॉलीपॉप, देखे में भी बहुत अच्छा, खाए में भी बहुत अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है रोरे कर ये लॉलीपॉप फेंकें, लॉलीपॉप फेंकें, आकर्षण में खूब वहाँ आवे ना लेकिन खतरा पैदा कर देना, जब गलत हो जाएगा तो रोरे फिर उसके सुधरा नहीं सकेला। से चलते जितना सहज क्वेश्चन होएला उतना कठिन हो जाएगा जवाब उकर, लेकिन यह कठिन के दूर करे के लिए रोरे के करियर फाउंडेशन एक मंच देवेला कि कम से कम रोरे अपन आधार पर तो ये काम कर सकेला। फिर रोरे पूछ सकेला कि करियर फाउंडेशन में रोरे काले हमके नागपुरी से प्रेम आए, झारखंड से प्रेम आए, हम पिछला 30 साल से नागपुरी पढ़ा थे, ये 30 साल का जो एक्सपीरियंस है रोरे को चाहिए, रोरे का लाभ मिलक चाहिए। पहले बहुत स्टूडेंट्स लाभ ले ले लें, लगभग 3000 आदमी नागपुरी से नौकरी लेवे ना, तो रोरे काले नहीं जब वो ले ले लें तो रोरे भी ले सकेला, ये हिम्मत हमर में है तो रोरे के भी हिम्मत दिखाए के जरूरत पड़ी। तब रोरे पूछ सकेला कि रोरे के है कि रोरे का इतना कुब्बत का लखे है, रोरे का लखे इतना कॉन्फिडेंटली बहुत बोलत थी, तो हम बता ले रोरे की कि हमके बहुत दिन तक शिक्षा से जुड़े कर मौका मिले, मॉनिटरिंग करे के जो मौका मिले, रोरे हमार किताब के भी देखब तो वो किताब कर माध्यम से भी रोरे के पता चले कि विश्लेषण का होएला। रोरे के एक किताब मिल अगर एक किताब रोरे से है तो रोरे के परेशानी बहुत कम हो जाए आधुनिक नागपुरी भाषा और साहित्य। ये लेटेस्ट किताब है जिकर में JCC लागिन रोरे कर लगभग लगभग 40-50% क्वेश्चन देवल जा है जो रोरे का लाभ पहुँचाई। रोरे के दूसर किताब का जरूरत हुई, ई किताब का प्रकाशन मार्गदर्शन कह रहे ई किताब रोरे के मिल जाए, ई किताब के माध्यम से रोरे देखो एखन पूरा का पूरा झारखंड में ई किताब का धूम मचल है। हम किताब का पब्लिसिटी करके नहीं चाहते, हम किताब कर आधार पर रोड़े कर वो सेंटिमेंट्स के टच करके चाहते कि मार्केट में नागपुरी ले तैयारी करे के लिए मैटर भी है। पहले हम किताब नहीं लिखते रहे लेकिन अब किताब लिखे का कोशिश कर ले, जब हम किताब लिखा थे तो एक किताब के साथ रोड़े के बंद केवरा भी जो भाग एक है ई पढ़े कर है, फिर लोक कथा का कुछ भाग है ई रोड़े पढ़ाते, तीन किताब मिला के रोड़े के करीब करीब 360 रुपया से 380 रुपया कर आसपास कर बजट आवी, इकर से रोरे के परीक्षा के तैयारी में सुविधा हुई। कोनो दिक्कत होते तो करियर फाउंडेशन कर साथ में रोरे ईमेल कर सकेला, अपन बात के रख सकेला, क्वेश्चन का डाउट के क्लियर कर सकेला। अगर हमार से पूछे का जरूरत पड़ी तब भी कर सकेला, लेकिन हम एक किताब के माध्यम से हर चीज़ का जवाब दे, इकर में हमारा नाम भी है, टेलीफोन नंबर भी है, रोरे को इस्तेमाल कर सकेला, लेकिन पढ़ाई के दरमियान में हम फोन नहीं उठाइला। पहले समर्पण है मार्केटिंग नखे, मार्केटिंग है कि रोरे के कोनो बहाना से अगर रिजल्ट आ जाते तो उकर फायदा तो हमरे के लेक चाहिए। इखन जे
1250 कर आसपास या 1260 कर आसपास में जेएससी कर पोस्ट है, हमरे का कोशिश हुई कि अधिकांश कम से कम 30-40% सीट हमरे के नागपुरी कर माध्यम से लेख है। बहुत सारा स्टूडेंट्स नागपुरी पढ़वें, इकर एक अनुमान है। खतरा नागपुरी में भी है, दूसरा पेपर में भी है। अगर रौरे कोनो भी हालत से जेपीसी का तैयारी में या जेएससी का तैयारी में अगर नागपुरी में 80% से ऊपर 80 और 90% के बीच मार्क्स नहीं लाना थी तो रौरे लिए खतरा है, पढ़े कर फायदा नहीं हो। तो इसे इतना परसेंट जो मार्क्स लाने का है तो इकर ले रौरे के कम से कम 60 घंटा तो देख पड़े। अगर 60 घंटा देती तो पढ़ाई कर तो अपन तरीका होएला, उ तरीका के साथ रौरे जुड़ सकेला। सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि भाषा एक संगठन है झारखंड में कि जे रौरे के सीधा सीधा नौकरी से जोड़ा थे। एक समय रहे कि नागपुरी पढ़े में आदमी डरात रहे, हमरे हिम्मत देते रहे, और आई जैसन हो जाए कि रौरे नागपुरी पढ़े के लिए उतावला है। दूसर जितना भी भाषा मन है उकर से नागपुरी कंफर्टेबल है। कोई भी स्टूडेंट जे तनिक उन भाषा के प्रति प्रेम रखेला, विश्लेषण का क्षमता रखेला, वो ये भाषा में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा। यहाँ रौरे के लिखे के नखे, लिखे हो तक तो दिक्कत रहे लेकिन सब्जेक्ट कर नोट तो करे पड़े, सब्जेक्ट कर की पॉइंट कर तो जाने पड़े, और ये सब जानते जानते रौरे अपन बात के आगे बढ़ा सकेला। तो ई माध्यम होएला भाषा के समझे कर, ई माध्यम होएला कोनो चीज़ के जाने कर। एक ही चीज़ बता ली हम रौरे के कि रौरे के खाली ई चीज़ आवे के चाहिए कि अपन विश्लेषण काल के करो। कोई भी टॉपिक के अगर हमर सहायता नखे भी ले तो रौरे ई आधार पर जाओ, रौरे ई टॉपिक कर विश्लेषण जितना अच्छा से कर सकेला। यहाँ से हजारों क्वेश्चन निकलवाएं, सैकड़ों क्वेश्चन निकलवाएं, ये सारा क्वेश्चन के रौरे यहाँ पर कंपाइल करते चलो, रौरे कर एसेट तैयार हुई, यही एसेट रौरे के नंबर बढ़ाई। तो पढ़ाई एक तरीका है और ये तरीका वैज्ञानिक हो जाए, और वैज्ञानिक तरीका के करते करते हमरे के एक ऐसा उम्मीद आए कि झारखंड कर मैक्सिमम स्टूडेंट्स नागपुरी राइक के भी संतुष्ट हो गए कि नागपुरी में हम कम मेहनत करके अच्छा नंबर ले लान ले। तो ये अच्छा नंबर लाने का मतलब होएला कि रौरे का मेहनत का हो, नागपुरी राइक ले ले कोनो फायदा न के, नागपुरी भाषा है के और भाषा में शुद्धता होक चाहिए और असलियत के जानक चाहिए। तो अच्छा और बुरा कर पहचान तभी होएला कि जब हम और रौरे एक प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए तैयार होएला। हमार काम है नागपुरी बताए, नागपुरी का समस्या के दूर करे, रौरे का काम है नागपुरी के प्रति समर्पित होकर इकर रहस्य के जाने, इकर जे मूल मूल तत्व है इके जाने। तो यही आधार पर हम और रौरे अपन काम करेला और हमरे के इकर में बढ़े कर विचार है। अगर रौरे बढ़त है आगे तो नौकरी रौरे का इंतजार करते। जेपीसी का नौकरी तो इतना आसान हो जाए खन कि पीटी नखे, जेपीसी में पीटी लिख कर तैयारी करे के वाला आदमी के पता है कि पीटी का होएला। जेकर मेंस कर तैयारी 100% हो रहे ओमन पीटी में बाहर हो गए। रौरे लिए पीटी नखे सरकार तोहफा दे है, इस पार चाहे उस पार, इन्हें भी खतरा होने भी खतरा, सिर्फ 2 से 3 महीना डेडिकेशन होक चाहिए, डेडिकेटेड होकर पढ़ो, भाषा फायदा दे, और ये भाषा रौरे के रौरे कर व्यक्तित्व के, रौरे के घर परिवार के, रौरे कर जीवन के खुशहाल रखे, इस पर हमन कामना है। चलो नागपुरी रौरे के लिए मुबारक हो, नागपुरी का सिलेक्शन में रौरे का कोई दुविधा ना हो, और नागपुरी बिंदास होकर पढ़ो, नागपुरी लिए समर्पण जरूरी है। जब तक समर्पण नहीं हुई तब तक रौरे आगे नहीं बढ़ सकेला। अपन के ना छोट समझो न बड़ समझो, भाषा कर साथ में समाजवाद कर सिद्धांत जो है ओके देखो, भाषा सबके फायदा पहुँचाएगा, और ये फायदा पहुँचाए के लिए नागपुरी कॉमन है। बड़ा तजुब कर बात है कि हमारे झारखंडी होते हुए भी हिंदी और इंग्लिश सोचते रही चलते कि नौकरी मिले। हमारे गार्जियन हमारे के अंग्रेजी पढ़ाते रहें कि भाई कोनो लखे नौकरी तो मिले। आई अंग्रेजी पढ़ल स्टूडेंट्स, MBA करल स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करल स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियर करल स्टूडेंट्स और अन्य डिप्लोमाधारी नागपुरी पढ़त हैं। रौरे इकला नहीं हो, रौरे में जज्बा होक चाहिए कि नौकरी मिल सकेला। तनिकुन मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, या रौरे कर GS के, इस सब के तनिको ठीक करो। अगर वो ठीक होते तो रौरे अपडेट होते जाब, और ये अपडेट परीक्षा का रहस्य के पूरा करेला। चलो फिर मिलब, जोहार। नागपुरी रौरे का स्वागत करते, नागपुरी आगे बढ़े के लिए रौरे के कदम बढ़ाए के लिए प्रेरित करते। हम यह बात कह के अपन बात रखते,
अगर हमर नाम जाने के चाहते तो सिर्फ इतने है कि डॉक्टर सुधीर कुमार राय के रूप में हम जानल जाइला और रोरी का सहयोग करे के लिए जानल जाइला। चलो फिर कभी बात हुई, धन्यवाद।